स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। 2013, देपसांग स्टैंड ऑफ, जहां चाइनीज मिलिट्री ने देपसांग प्लेन्स में इंकर्शन करते हुए राकी नाले के ड्राई रिवर बेड को कैप्चर कर लिया। चाइनीज पोजीशन से 300 मीटर दूर 6 टेंट्स में इंडियन सोल्जर्स ने भी अपने टेंट्स गाड़ दिए, जहां चाइनीज सोल्जर्स हेविली इक्विप्ड थे और हेलीकॉप्टर्स द्वारा सप्लाइड थे, वहीं इंडियन साइड पुअरली इक्विप्ड थी। और स्टैंड ऑफ को खत्म करने के लिए इंडिया ने चुनार में, जो यहां से 250 किलोमीटर दूर इंडियन टेरिटरी में ही है, वहां अपने बंकर्स को डिसमेंटल करने के लिए चाइना को एग्री किया, जिसके बाद ये स्टैंड ऑफ डिसॉल्व हुआ। चाहे 1962 की इंडिया चाइना वॉर हो या 2022 का गालवान क्राइसिस, चाइना हमेशा ही अग्रेसर रहा है। 1947 से लेकर अभी तक बड़े छोटे इंडिया चाइना बॉर्डर पर 21 से ज्यादा इंसिडेंट हुए हैं, जिसमें से 1967 का चोला नाथुला क्लैश, 1987 का सुम दोरोंग छू स्टैंड ऑफ, 1975 का तुलुंगला स्टैंड ऑफ, 2013 के देपसांग स्क्रिमिशेस, 2017 का डोकलाम स्टैंड ऑफ और 2020 का गालवान स्टैंड ऑफ इंडिया चाइना के बीच मेन इंसिडेंट्स रहे हैं। और इन सभी बॉर्डर इश्यूज का रीजन है Undefined LAC, 3,488 किलोमीटर लंबा इंडिया और चाइना के बीच ये बॉर्डर तीन सेक्शंस में डिवाइडेड है। लद्दाख में वेस्टर्न सेक्टर, हिमाचल उत्तराखंड में सेंट्रल सेक्टर और सिक्किम अरुणाचल में ईस्टर्न सेक्टर। तो दोस्तों, क्या ये LAC बदल सकती है, और अगर बदल सकती है तो क्या इंडिया इकोनॉमिकली एंड मिलिट्रली स्ट्रॉन्गर चाइना को मात दे सकता है? इंडिया के पास एक ऐसी फोर्स है जो LAC के अलोंग चाइना के छक्के छुड़ा सकती है और इंडिया को LAC के अलोंग डोमिनेटिंग पावर बना सकती है। तो दोस्तों, इस फोर्स के बारे में और जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप UPSC का एक सीरियस अटेम्प्ट देने का सोच रहे हैं तो पहले की तरह आपको लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी की मदद से आप हाईएस्ट क्वालिटी गाइडेंस स्टडी IQ के P2I फाउंडेशन बैचेस में पा सकते हैं। दोस्तों, इन बैचेस में आपको लाइव क्लासेस, बुक्स की होम डिलीवरी, पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी। साथ ही अगर आप इस बैच में एडमिशन लेते हैं तो आप MRP यानी कि मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, जिसके तहत आपको NCR में ठहराकर मेंस की 1-on-1 प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जिसके थ्रू आप मेंस एग्जामिनेशन को इजीली क्रैक कर पाएंगे। दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इस बैच में SIP यानी कि सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम इंक्लूडेड है, जिसके तहत आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ डेली MCQ प्रैक्टिस और रेगुलरली टेस्ट सॉल्व करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, इस बैच में एडमिशन लेकर अगर आप IAS IPS बनने का अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो आज ही यूज करें कोड RT लाइफ का। जी हाँ, RT लाइफ कोड आपको दिलवाएगा इन बैचेस पर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। और अगर आपको इस बैच से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो UPSC के GS2 पेपर के लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पर वापस आते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC, जिसे पहली बार चाइनीज प्रीमियर जाओ एनलाई ने प्रपोज किया, जो 1950s में इंडिया चाइना के बीच एक इनफॉर्मल सीज फायर लाइन थी। दोस्तों, इंडिया चाइना का बॉर्डर ब्रिटिश टाइम से ही अनडिफाइंड है और इन बॉर्डर्स को डिफाइन करने की कोशिश करी ब्रिटिश सर्वेयर विलियम जॉनसन ने, जिन्होंने 1865 में लद्दाख में इंडिया और तिब्बत के बीच बॉर्डर डिफाइन किया, और आज का इंडिया का मैप इनके द्वारा ड्रॉन लाइन को ही इनकॉर्पोरेट करता है। और क्लियरली जॉनसन लाइन के अकॉर्डिंग अक्साई चिन इंडिया का पार्ट है। और आप ये सुनकर सरप्राइज भी होंगे कि 1917 से लेकर 1933 के बीच चाइना की पोस्टल एटलस में गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने अक्साई चिन को इंडियन पजेशन के रूप में दिखाया है, लेकिन लेट 1800s में रशिया और ब्रिटिश इंडिया के बीच बफर क्रिएट करने के लिए 1899 में चाइना में पोस्टेड ब्रिटिश एनवॉय क्लॉड मैकडोनल्ड ने इंडस और तारिम रिवर्स के वाटरशेड के बीच अक्साई चिन रीजन में बॉर्डर प्रपोज किया, जिसके तहत अक्साई चिन
तिब्बत का पार्ट शो किया गया, पर चाइना ने कभी इस लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया। वहीं ईस्टर्न सेक्टर्स के बॉर्डर डिफाइन करने के लिए तिब्बतन और चाइनीज ऑफिशियल्स को 1914 में ब्रिटिशर्स द्वारा शिमला कन्वेंशन में भी इनवाइट किया गया, और इस कन्वेंशन में ब्रिटिश निगोशिएटर हेनरी मैकमोहन ने नीफा यानी कि अरुणाचल और तिब्बत के बीच ये बॉर्डर ड्रॉ किया। दोस्तों, इंडिपेंडेंस के बाद हमने वेस्टर्न सेक्टर में जॉनसन और ईस्टर्न सेक्टर में मैकमोहन लाइन को तिब्बत के साथ अपना बॉर्डर माना, और आजादी के बाद चाइना के साथ वार्म रिलेशंस और हिंदी चीनी भाई भाई के नारों की गूंज ने अक्साई चिन और अरुणाचल में चाइनीज आर्मी के मार्च की आवाज दबा दी, और इन बाउंड्रीज के शीयर नेग्लेक्ट का ही नतीजा था कि 1962 की इंडो चाइना वॉर में हमारी हार हुई और हमने अक्साई चिन और अरुणाचल दोनों को खो दिया। पर 1914 की शिमला कन्वेंशन के चलते चाइना ने नीफा यानी कि अरुणाचल से विड्रॉ कर लिया, लेकिन अक्साई चिन पर अभी भी चाइना का कब्जा है। दोस्तों, स्ट्रेटेजिकली देखें तो अक्साई चिन चाइना के लिए अरुणाचल के कंपैरिजन में काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत और सिंजियांग को रिलेटिवली फ्लैट अक्साई चिन ही जोड़ता है, और आज चाइना का एक हाईवे यहां से निकलता है। दोस्तों, 1962 की वॉर के ही नतीजे इंडिया चाइना के बीच ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिफाइन करी गई, और इस वॉर से पहले इंडियन आर्मी के ट्रूप्स अक्साई चिन में हाजी लंगर तक पेट्रोल किया करते थे, लेकिन इस वॉर के बाद ये ब्लू लाइन इंडिया एंड चाइनीज ट्रूप्स की एक्चुअल पोजीशन थी, और वॉर के बाद इसी लाइन को चाइना द्वारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा गया। इनिशियली सिर्फ लद्दाख सेक्टर में इस लाइन को LAC कहा गया, लेकिन 1993 और 1996 के इंडिया चाइना बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट के बाद इंडिया ने भी इस लाइन को LAC के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, और इस एग्रीमेंट के बाद से लद्दाख से लेकर अरुणाचल के बीच बॉर्डर को LAC कहा जाने लगा, और आज वेस्टर्न सेक्टर में ये लाइन काराकोरम पास से देपसांग प्लेन्स और देपसांग प्लेन्स से गालवान वैली, गालवान वैली से जियानान पास और जियानान पास से गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एंड गोगरा से पैंगोंग सो और पैंगोंग सो से डेम्पचॉक के बीच इंडिया चाइना का बॉर्डर डिफाइन करती है, और लगभग इन सभी पॉइंट्स पर इंडिया चाइना के बीच डिस्प्यूट्स रहे हैं। इसके अलावा काराकोरम के नॉर्थ में सक्षगम वैली, जिसे पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट किया, ये भी इंडिया चाइना के बीच में एक बड़ा इशू है। लेकिन दोस्तों, ये मुद्दा एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करता है, और अगर आप चाहते हैं कि इस मुद्दे पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो एम करते हैं इस वीडियो पर 20,000 लाइक्स के। इसके अलावा सेंट्रल सेक्टर में कौरिक, ताशीगंगा शिपकिला हिमाचल में, और मना पास में जड़गंगा वैली और बाराहोटी उत्तराखंड में चाइना और इंडिया के बीच डिस्प्यूटेड पॉइंट्स हैं, पर इन सभी एरियाज को इंडिया ही कंट्रोल करता है। वहीं ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम के पास डोकलाम प्लेट्यू और अरुणाचल का तवांग भी चाइना क्लेम करता है, बट ये एरियाज इंडिया के कंट्रोल में हैं, और चाइना पूरे अरुणाचल को साउथ तिब्बत कहता है और क्लेम करता है। इन रीजन्स में चाइना इंडिया के अगेंस्ट एक स्पेशल स्ट्रैटेजी यूज करता है। तो इंडिया का प्लान समझने से पहले समझते हैं चाइना का लैंड ग्रैबिंग प्लान। पहले चाइनीज फोर्सेस इंडियन टेरिटरी में इन्वेड करती हैं, और उसके बाद इंडियन फोर्सेस उनको काउंटर करने के लिए आगे बढ़ती हैं, और 1993 एंड 1996 के बॉर्डर एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग इंडिया और चाइनीज फोर्सेस LAC के अलोंग फायर आर्म्स कैरी नहीं कर सकते, और इसीलिए इंडियन फोर्सेस चाइनीज फोर्सेस से डिसएंगेजमेंट की डिमांड रखती हैं। इन डिसएंगेजमेंट मीटिंग्स में चाइनीज फोर्सेस इंडियन टेरिटरी से विड्रॉ करने का प्रॉमिस करती हैं, लेकिन एक शर्त पर, बफर जोन। चाइना इंडिया से 5 से 25 किलोमीटर ब्रॉड बफर जोन की डिमांड करता है, जहां इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, ये बफर जोन हमेशा ही इंडियन टेरिटरी से कार्व आउट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, पैंगोंग सो डिस्प्यूट में इंडियन फोर्सेस पहले फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन चाइनीज इंग्रेशन के बाद डी एस्केलेशन टॉक्स में चाइना ने फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच का रीजन बफर जोन क्रिएट करने की डिमांड करी, और ये डिमांड हमें माननी पड़ी, और आज फिंगर 4 और 8 के बीच बफर जोन है, और इंडियन ट्रूप्स जो पहले फिंगर 8 तक पेट्रोल करते थे, अब सिर्फ फिंगर 4 तक पेट्रोल कर सकते हैं। यानी कि ये बफर जोन्स मोस्टली इंडियन टेरिटरी में से बनाए जाते हैं, और इसी तरह से चाइना धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहता है और थोड़ी थोड़ी टेरिटरी हड़पता रहता है। और ऐसे बफर जोन्स पैंगोंग के साथ साथ गालवान, कैलाश रेंजेस, डेमचॉक में भी बनाए गए हैं, और चाइना की इसी स्ट्रैटेजी को कुछ एक्सपर्ट्स सलामी स्लाइसिंग कहते हैं।
तो चाइना की स्ट्रैटेजी को काउंटर करने का क्या प्लान है? क्या हम अक्साई चिन को वापस ले सकते हैं? देखिए, चाइना आज वर्ल्ड की सुपर पावर बनने की रेस में टॉप डॉग है और यूएस के बाद वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी भी। और अपनी इस इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल करके चाइना ने एलएसी के अलोंग अपने ट्रूप्स की पोजीशन को सॉलिडिफाई कर लिया है। आज तिब्बत और जिंगजियांग दोनों ही मेनलैंड चाइना से हाई स्पीड रेलवे लाइन से जुड़े हुए हैं, जो एलएसी पर चाइना को फास्ट ट्रूप मोबिलाइजेशन की कैपेसिटी देते हैं। चाइना ने एलएसी के अलोंग मॉडल विलेजेस भी क्रिएट किए हैं, जो रोड नेटवर्क के थ्रू चाइनीज सिटीज से जुड़े हैं। और चाइना इन विलेजेस में लोकल्स की ही मदद से लैंड ग्रैब करने में लगा है। पीपल लिबरेशन आर्मी वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्मी भी है, जिसकी मदद से चाइना इंडियन टेरिटरीज में इंग्रेशन करता है और उसके बाद इंडिया को निगोशिएशन टेबल पर फोर्स करता है। चाइनीज एयरफोर्स आज इंडिया से लगभग डबल नंबर्स में फाइटर जेट्स ऑपरेट करती है और चाइनीज रॉकेट फोर्स बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स का अच्छा मिक्स ऑपरेट करते हैं। वहीं इंडियन फोर्सेज आज भी पाकिस्तान सेंट्रिक हैं और पाकिस्तान आर्मी वर्ल्ड वॉर टू की तरह मैकेनाइज्ड वॉर लड़ती है, जहां एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के बीच कम कोऑर्डिनेशन होता है। वहीं चाइनीज फोर्सेज यूएस की 1991 की गुल्फ वॉर कैंपेन से सीख लेते हुए एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉर लड़ने की कैपेबिलिटी रखती है, जहां आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कोऑर्डिनेशन में अटैक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और अपने इस वॉरफेयर में साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स, एआई एक्सेट्रा को भी इंटीग्रेट करती है। लेकिन दोस्तों, चाइना के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टार की ऑल्टीट्यूड, यानी कि तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन की हाइट। तो दोस्तों, एलओसी के अलोंग आर्मी तो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एयरफोर्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड से चाइनीज फाइटर जेट फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज चाइना के मोस्ट ऑफ द एयर बेसिस तिब्बत के हाई प्लेट्यू पर लोकेटेड हैं। वहीं दोस्तों, इंडियन जेट्स चाइनीज फोर्सेस के छक्के छुड़ा सकते हैं, क्योंकि एलएसी के पास हमारे सभी बेसेस लोअर ऑल्टीट्यूड पर हैं एंड लगभग फुल पेलोड कैपेसिटी पर इंडियन जेट्स एलएसी को डिफेंड करने की क्षमता रखते हैं। और अगर 1962 में हमने एयरफोर्स का यूज किया होता तो शायद आज ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती। साथ ही इंडियन एयरफोर्स की डोमिनेटिंग पोजीशन का चाइना को भी पूरा ज्ञान है, क्योंकि रिसेंटली लीक्ड सैटेलाइट इमेजेस में चाइनीज बंकर्स में हमें रीइंफोर्स्ड कंक्रीट देखने को मिल रहा है, जो इंडियन जेट से निकले मिसाइल्स की मार झेल सकते हैं। हेंस इंडिया के एलएसी प्लान में आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। लेकिन इंडिया की गिरती हुई फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ और एमका में डिले एक बड़ी प्रॉब्लम है। साथ ही ड्रोन वॉरफेयर में भी हम काफी पीछे हैं और इसीलिए एलएसी के प्लान को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए हमें इन एरियाज में जल्द इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हेंस आज हमें अक्साई चिन को लेने से पहले करंट ग्राउंड पोजीशंस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। प्रीवियस गवर्नमेंट द्वारा नेग्लेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करके मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कैपेसिटी को इनहांस करने की भी नीड है। और चाइनीज इंग्रेशंस के अगेंस्ट रिएक्टिव अप्रोच छोड़कर एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेने की जरूरत है, जैसी अप्रोच हमने 2022 में तवांग के यांगसी क्राइसिस में दिखाई थी। दोस्तों, इसके साथ साथ हमें राइट टाइम का इंतजार भी करने की जरूरत है। आज चाइना में ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस अपने चरम पर है और चाइनीज यूथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट से त्रस्त है एंड जी जिनपिंग के अगेंस्ट हाई एंटी इनकम्बेंसी है। इसके अलावा डिप्लोमेटिकली हमें जापान, ताइवान, वियतनाम और साउथ कोरिया जैसे देशों के साथ अलायंस भी बनाने की आवश्यकता है। सही समय आने पर अगर हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, मिलिट्रली कैपेबल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस रहे तो डेफिनेटली इंडिया चाइना के बीच हमें नया मैप देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इसके साथ मैं विदा लेता हूं, आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और ऑसम वीडियो में। प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।